कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से ही मुख्यमंत्री मांझी लाडकी बहन योजना के खिलाफ है। जब महायुति सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव शिंदे जी ने और दोनों उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने और अजीत दादा पवार जी ने इस योजना की घोषणा की तो कांग्रेस ने तभी कहा था कि फंड ही नहीं है, सरकार की तिजोरी खाली है, यह योजना महज दिखावा है। लेकिन हमारी सरकार ने लगातार महिलाओं का इनरोलमेंट करना, उनका फॉर्म भरवाना, एप्लीकेशन फॉर्म लेना और उसके बाद रक्षाबंधन आते आते पहली किस्त भी दे दी 1,60,00,000 महिलाओं, तब इनकी जुबान बंद। फिर कांग्रेस ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक पिटीशन डलवाया इस योजना को बंद करवाई। जज साहब ने पिटिशनर को डांट कर भगा दिया। अभी भी नागपुर की बेंच जो है हाई कोर्ट की, मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में अभी भी एक पिटीशन पेंडिंग है इस योजना के खिलाफ। तो प्रारंभ से कांग्रेस पार्टी इस योजना के खिलाफ थी और कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री और उस इलाके के पूर्व आमदार सुनील केदार ने बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी इस योजना को बंद कर देंगे, मुख्यमंत्री मांझी लाडकी बहन योजना को कांग्रेस पार्टी बंद कर देगी, ऐसी घोषणा कांग्रेस के प्रमुख नेता ने की। अब महाराष्ट्र की महिलाओं को तय करना पड़ेगा, जिस योजना के माध्यम से महाराष्ट्र की महिलाओं का इतना भला हो रहा है, जिस योजना के माध्यम से महाराष्ट्र की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये आर्थिक मदद मिल रही है, 1,500 रुपये का बहुत वैल्यू होता है, महत्व होता है, जिस योजना के माध्यम से महाराष्ट्र की बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं आर्थिक तौर पर, स्वावलंबी हो रही हैं आर्थिक तौर पर, उस योजना को बंद करने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी रच रही है। यह तय है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, यह तय है कि महाविकास अघाड़ी सत्ता में नहीं आएगी, फिर भी कांग्रेस की यह सोच महिला विरोधी सोच है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने लाडकी बहन योजना के धर्रे पर जब झारखंड में एक योजना बनती है मैया सम्मान योजना तो उसको बढ़ चढ़ के लागू करती है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि झारखंड में जो सरकार चल रही है उसमें हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री और उनके साथ सरकार में भागीदार है, हिस्सेदार है कांग्रेस पार्टी, तो वहां मैया सम्मान सम्मेलन चल रहा है, उस योजना में, उस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक मदद देने का कार्यक्रम चल रहा है, कांग्रेस पार्टी मैया सम्मान सम्मेलन भी कर रही है। लेकिन जब महाराष्ट्र की महिलाओं को मदद मिल रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, जब महाराष्ट्र की महिलाओं को ताकत दी जा रही है, आर्थिक ताकत दी जा रही है, तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, उनके नजर में एकनाथ राव शिंदे साहब एक उनके लाडका भाव की तरह निकल के आ रहे हैं, अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस जी के प्रति उनके मन में जबरदस्त सम्मान पैदा हो रहा है। ये जो सम्मान पैदा हो रहा है उसको देख करके कांग्रेस उबाठा और शरद पवार अंदर अंदर जल रहे हैं, घबरा रहे हैं, और इसी घबराहट की वजह से कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार ये बयान दिया और कहा कि ये फसवी योजना है, यानी फर्जी है, फंसाने वाली योजना है। हम कांग्रेस वाले नहीं हैं, हम शिवसेना के लोग, जो कहते हैं वो करते हैं, शिंदे साहब जो बोलते हैं वो करते हैं और वही करते हैं, वही बोलते हैं जो उनको करना है। मैं आज कांग्रेस वालों को बता देना चाहूंगा, लाडकी बहन योजना के तमाम विरोधियों को बता देना चाहूंगा कि जब तक एकनाथ राव शिंदे जी हैं तब तक इस योजना को कोई बंद नहीं कर सकता। उल्टे अगर हमारी दोबारा सरकार आती है तो इस योजना में आज जो 1,500 रुपये मिलेंगे उसकी जगह 2,000, 2,500, 3,000 भी करने का प्लान है। हमारे महाराष्ट्र की तमाम महिलाएं, जो जरूरतमंद महिलाएं, आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं, उन तमाम महिलाओं को एक आर्थिक ताकत और शक्ति देने का जो एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, यह अनवरत यह सिलसिला जारी रहेगा और महिलाओं की ताकत हम बढ़ाते रहेंगे।